नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। सीएम भूपेश बघेल ने नरदहा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश में बरसात के मौसम में होने वाली कई फसलों के लिए किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की सबसे अधिक कीमत मिल रही है। उधर छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप में जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी, जिससे 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक लिंगनपल्ली में तैनात सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग में 4 जवानों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। सीएम बघेल ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। भूपेश बघेल ने घटना में मृतक जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से। सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी, प्रियंका जी से मैं कहता हूं कि गुरूर को छोड़े शशि थरूर पर जाएं। प्रियंका गांधी को नोटबंदी पर ट्वीट करने से पहले एक बार भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकी घटनाओं की संख्या का अध्ययन कर लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, सुनाते हैं आपको। प्रदेश की धारा पे आ रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। यहाँ पर जनजाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे, हबीबगंज के जो हिंदुस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास का, उसका उद्घाटन भी करेंगे। आज बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर रात को है और प्रधानमंत्री जी के आगमन की, अगवानी की, कार्यक्रम की, अन्य बिंदियों की भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने वाले। मैंने देखा नोटबंदी वाला ट्वीट, नवाब मलिक साहब के ट्वीट के थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट किया था। अब नवाब मलिक के ट्वीट की कॉपी करने से अच्छा बहन प्रियंका इंटरनेट पर चली जाती। 4 बातें थी उसमें, भ्रष्टाचार, काला धन, अर्थव्यवस्था और आतंकवाद। अब भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी 2G, 3G, जीजाजी एकाद आया क्या? दूसरा उन्होंने कहा कि काला धन। अब एक प्रमाण नहीं बता सकती वो, क्यों काले धन का कोई एक भी प्रमाण उनके पास में हो, बताएंगी भी नहीं, क्योंकि गुमराह करने की राजनीति का जैसे टेंडर ही निकल गया है दोनों भाई बहन के नाम। सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ट्वीट करना, यहां तक उन्होंने मनी ट्रांजैक्शन का, अर्थव्यवस्था का बताया तो ट्वीट देख लेती है। अगर नेट पे तो 80% ट्रांजैक्शन अब वो उससे होने लगा है, मनी का ट्रांजैक्शन। आतंकवाद की बात करी, स्वयं सोचे बहन प्रियंका, क्या अक्षरधाम में कोई बम ब्लास्ट हुआ? किसी अक्षरधाम में, किसी मंदिर में हुआ, किसी ट्रेन में हुआ, किसी ताज होटल जैसा कोई आतंकवाद हुआ क्या? संख्या देख ले वो आतंकवादियों के मरने की, और एक भी नहीं बचता है। कोई अगर आतंकी हमला करता है वो भी एक कोने के अंदर, कश्मीर के अंदर, वो भी कश्मीर में भी एक क्षेत्र के अंदर तक आतंकवाद सिमट गया है।
सोचने के पहले नेट पे जाना चाहिए, बहन से मेरी प्रार्थना है। मंथन है परिस्थितियों का, मंथन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, सो कॉल्ड तथाकथित भावी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कुछ वही तो है। पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, क्या समीक्षा करेंगे? खुद की समीक्षा कर ले, अंतर्मुखी हो जाए, टिकट उड़ने बांटे, प्रचार उड़ने किया। अगर अंतर्मुखी हो गए, खुद की समीक्षा कर ली, तो मेरा मानना है कि मंथन में एक ही शब्द निकलने वाला है, जय जय कमलनाथ। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 3 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए, जबकि 11 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अब एक्टिव केसों की संख्या 92 रह गई है, 92। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.01% मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी स्थिर 98.6 आज भी बनी हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में 38,589 सैंपल लिए गए हैं। मैं यहाँ यह कहना अपेक्षित समझता हूँ कि जो पिछले 3 दिन से सैंपल की संख्या में कमी आ रही है, वो त्योहार के कारण से है। जो त्योहारों का पर्व चल रहा है उसकी वजह से है, दिवाली थी, पड़वा थी, दौज थी, यहाँ ये मैं आपके ध्यान में डालना चाह रहा हूँ। सीएम भूपेश बघेल ने इंद्रधनुषी रंगों के लिए 10वीं के छात्र हर्ष रजक को मुख्यमंत्री निवास में शाबाशी दी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को 10वीं के छात्र की भाव भंगिमा के साथ तो हूबहू चित्र उकेरने की प्रतिभा के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने छात्र को मुख्यमंत्री निवास पर मिलने के लिए बुलाया, जहाँ सीएम छात्र का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए और साथ ही उसे शाबाशी भी दी। इस दौरान छात्र ने सीएम से बताया कि उसके विद्यालय में लैब नहीं है, तो सीएम ने तत्काल विद्यालय में लैब की घोषणा कर दी है। तो सीएम भूपेश बघेल ने इंद्रधनुषी रंगों के लिए 10वीं के छात्र हर्ष रजक को मुख्यमंत्री निवास में शाबाशी दी है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को 10वीं के छात्र की भाव भंगिमा के साथ तो हूबहू चित्र उकेरने की प्रतिभा के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने छात्र को मुख्यमंत्री निवास पर मिलने के लिए बुलाया, जहां सीएम छात्र का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। इस दौरान छात्र ने जब सीएम से कहा कि उसके विद्यालय में लैब नहीं है, तो सीएम ने तत्काल समस्या का समाधान करते हुए विद्यालय में लैब बनाने की घोषणा भी की है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरोज पांडे झूठ बोल रही हैं। विजय शर्मा राजनीतिक दुर्भावना के कारण जेल में बंद नहीं है, बल्कि विजय शर्मा ने एक अनुसूचित जाति के अधिकारों के साथ उसके चैम्बर में घुसकर मारपीट की थी, जिसको लेकर निचली अदालत ने विजय शर्मा को आदतन अपराधी मानकर उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सरोज पांडे पैरवी कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो राज्यसभा सांसद सरोज के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरोज पांडे झूठ बोल रही हैं। विजय शर्मा राजनीतिक दुर्भावना के कारण जेल में बंद नहीं है, बल्कि विजय शर्मा ने एक अनुसूचित जाति के अधिकारी के साथ उसके चैम्बर में घुसकर मारपीट की थी, जिसको लेकर निचली अदालत ने विजय शर्मा को आदतन अपराधी मानकर उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सरोज पांडे पैरवी कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षटी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान हर ओर आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है और यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। सप्तमी को प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ का समापन किया जाता है।
छठ के पावन मौके पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पर की। एक हमारा त्योहार है, सूर्य भगवान का त्योहार है और मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में और देश के अंदर भी बड़ी संख्या में, खासकर बिहार में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला ये बहुत बड़ा पर्व। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, मध्य प्रदेश में छठ पूजा को लेकर इस समय क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, हम बता दें आपको, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह खास तौर से पर्व उत्तर प्रदेश और बिहारियों द्वारा मनाया जाता है। जो नदी, जो यहाँ की प्रमुख नदियां होती है, शिप्रा नदी है, रामघाट है, कलगा सरोवर परिसर है, जहाँ पर यह बिहारियों और उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं, इन लोगों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। वैसे हम बता दें, इस पर्व का महत्व संतान की अच्छी खुशहाली और उसके लिए मनाया जाता है, अच्छे जीवन के मनाया जाता है। विजेंद्र, अगर छठ घाटों की हम बात करें तो इसको लेकर क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई खास जो है गाइडलाइन दी गई है या फिर किसी तरह की खास व्यवस्था की गई हो? जी मैम, अभी इस प्रकार की राज्य सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार पिछले 2 सालों में कोरोना को देखते हुए शहर में और प्रदेश में कहीं भी छठ दिवस नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण ये इसका अच्छा खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है और लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। नदी है, जो हमारे की प्रमुख नदियां है, शिप्रा नदी है, नर्मदा है, जो प्रदेश की नदियां हैं, उन जगहों पर सारे सारे जो उधर के लोग हैं वो इसकी तैयारियों में अच्छे लगे हुए हैं और सुबह सूर्य उगने से लेकर सूर्य अस्त तक होने तक इनकी पूजा पाठ करेंगे और सुबह सुबह जल चढ़ा के सूर्य को प्रसन्न करेंगे। शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी छठ पर्व की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी बीच आज एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सभी को बधाई दी है। हर वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान हर ओर आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है और यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। और भिंड से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, अगर भिंड जिले की हम बात करें तो जिले में किस तरह की व्यवस्था छठ पर्व को लेकर की गई है? स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कोई खास इंतजाम देखने को मिले हैं? प्रदीप की फोन लाइन इस समय डिस्कनेक्ट हो गई है। तो छठी मैया सबका बेड़ा पार करेंगी और इसी आस्था को लेकर आज श्रद्धालुओं का सैलाब छठ घाटों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य कर मंत्री ने कई व्यावसायिक और व्यापारिक संगठनों से जीएसटी की दिक्कतों, विसंगतियों और इसके सरलीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों से इस संबंध में सुझाव भी लिए। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना आने के बाद अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जीएसटी और अन्य करों के कलेक्शन का भार भी सीधा सीधा राज्यों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पाद भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। अभी राज्यों को इसमें वैट का हिस्सा मिल रहा है। जीएसटी में आने के बाद अगर इसे 28% के स्लैब में रखा गया तो राज्य सरकार को 14% ही राजस्व मिल पाएगा। झीरम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के मसले से सियासत इस समय गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है, बल्कि इसे सरकार से जांच छिपाना निरूपित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, सरकार के बदले राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना ठीक संदेश नहीं देता। मरकाम ने कहा कि जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सरकार से छिपाया जा रहा है? आयोग ने तो कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी और अचानक रिपोर्ट जमा करा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरकार से नए सिरे से जांच की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस अब नए अंदाज में हैं, जिसके चलते हर विभाग का वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही के निर्देश भी देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा,
सिविल सर्जन डॉक्टर गोयल भी मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने मेल वार्ड बच्चा वार्ड का निरीक्षण करते हुए लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई और अनुपस्थित मिलने वालों पर वेतन काटने का निर्देश भी दिया। साथ ही साफ सफाई को लेकर भी फटकार लगाते हुए सफाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि 7 दिन में अस्पताल परिसर में सफाई को लेकर सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थित है उनका वेतन काटने का शोकास नोटिस जारी करने का हमने इंस्ट्रक्शंस किए हैं, इसमें हाउसकीपिंग स्टाफ में भी और अन्य भी। दूसरा है साफ सफाई के जो संदर्भ में जो हाउसकीपिंग स्टाफ का और एजेंसी का जो उनका जो अभी साफ सफाई का जो स्थिति है वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं है, उसको भी नोटिस जारी किया जाएगा। और उसका जो सुपरवाइजर जो उपस्थित होना चाहिए था वो सुपरवाइजर भी अभी अनुपस्थित पाया गया है। तो इसका मतलब इनका अभी नोटिस देने के बाद 2-3 दिन का इनका स्थिति सुधारने का 1 सप्ताह का मैक्सिमम समय दिया जाएगा। उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरा देन इसको दूसरा प्रक्रिया क्या किया जा सकता है, क्या इसको समाप्ति करके कोई दूसरा एजेंसी को नियमानुसार लगाना होगा, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। हमारा पहला कोशिश है कि ये जो एजेंसी है इनसे जो अपेक्षित काम है उसको लिया जाए। तीसरा है जो पेशेंट्स जो आए हैं उनका जो केयर वाला जो पार्ट है जिसमें जैसे पेशेंट आएंगे तो उनका जो वाइटल्स चेक करना होता है और जांच करना होता है और उनका मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको उनको देने के जो प्रक्रिया और उसका जो केस शीट में उसके इंदराज का प्रक्रिया होना चाहिए। तो मेनली जो मेल मेडिकल वार्ड और बच्चा वार्ड और जो फीमेल वार्ड में हमने निरीक्षण किए हैं जो कमियाँ पाए हैं तो उसमें भी हम संबंधित डॉक्टर्स को और संबंधित जो वार्ड इंचार्ज एंड जो मेल नर्स एंड स्टाफ नर्स को भी हमने नोटिस दिया है और इसको उनकी प्रक्रिया को ठीक कराना है। तो इसलिए कार्रवाई के साथ साथ उनको फिर से जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बार। भिंड से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। नए कलेक्टर इस समय नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि जगह जगह जाकर अलग अलग विभागों का वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल, अभी बात की जाए भिंड जिला अस्पताल की तो ये पहले कायाकल्प में नंबर वन हुआ करता था। हालांकि भिंड कलेक्टर सतीश कुमार है अभी नए नहीं है, लेकिन जब उनकी पदस्थापना हुई थी तब से ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी। लेकिन बात की जाए दीपावली के बाद से ही लगातार भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस एक नए अंदाज में दिख रहे हैं। वो लगातार कोई सा भी विभाग हो उन पर जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के क्रम में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो उसमें पाया गया कई कमियां देखने को मिली, जिसकी आए दिन शिकायतें भी मिल रही थी। लोगों का कहना था कि चाहे वो ट्रीटमेंट देने की बात हो या साफ सफाई की बात हो, अब जो भिंड का अस्पताल कायाकल्प में नंबर वन हुआ करता था आज वो दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने औचक निरीक्षण किया। वही बात की जाए प्रदेश में डेंगू को लेकर तो डेंगू भी पैर पसारता नजर आ रहा है और भिंड में भी डेंगू से मरने की संख्या कई हो चुकी है। लेकिन जब जो डेंगू के मरीजों को ठीक करने के लिए अस्पताल है जब वो खुद ही बीमार दिख रहा है, बात की जाए जिला अस्पताल की तो कई ऐसे दृश्य मिल सकते हैं जहां जल जमाव है और गंदगी पड़ी है। बस ऐसी कई शिकायतों को लेकर जब इस बात की जानकारी भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस को मिली तो वो तत्काल भिंड जिला अस्पताल में पहुंचे। उनके साथ जिला CMHO अजीत मिश्रा के अलावा सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहा। तो वहीं कलेक्टर ने जब जांच पड़ताल की तो उसमें कई नदारद भी मिले जिनको लेकर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वेतन काटने की बात कही है। वहीं साफ सफाई को लेकर जो सफाई के ठेकेदार होते हैं कर्मचारी होते हैं उनको 7 दिन का समय दिया है और कहा है कि अस्पताल जो कि जिला अस्पताल है इसमें सफाई को लेकर व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखनी चाहिए, यदि कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने लगे।
उधर ग्वालियर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम के साथ ही दुकानदार का विवाद हो गया। इसके बाद दुकानदार ने पेपर कटर से हमला कर खुद को ही घायल कर लिया। वहीं कटर लगने से पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दरअसल ओल्ड हाईकोर्ट के सामने स्थित एक दुकानदार के कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन दुकानदार ने हंगामा करते हुए खुद पर पेपर कटर से हमला कर लिया। उसके गले, सीने और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान पेपर कटर छीनने की कोशिश में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गया। दुकानदार नवीन किशोर गोयल का आरोप है कि उसके पड़ोसी दुकानदार राकेश मित्तल के प्रभाव में एसडीएम बिना नोटिस दिए दुकान तोड़ने पहुंचे। वहीं पुलिस ने घायल दुकानदार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों किसान एसडीओपी कार्यालय के सामने चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि जिले में लगातार डीएपी खाद को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। खाद न मिलने से परेशान किसान जिले में पहले भी चक्का जाम कर चुके हैं, तो वहीं अब करेरा में भी खाद न मिलने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने किसानों को समझाया, तब जाकर किसान धरने से उठे। किया था खाद के चक्कर में, हम खाद से परेशान है, खेत सूने पड़े हैं, खाद नहीं मिल रहा है। डीएपी खाद नहीं मिल रहा है? डीएपी खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा, साहब परेशान है। शिकायत नहीं की आपने एसडीएम वगैरह के? सब जगह क्योंकि सुन नहीं रहा हमारी। आप क्या आश्वासन दिया है अधिकारी? मिलेगा, बोले मिले। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।